हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो। इस रमजान अपनी शॉपिंग को बनाइए और भी खास। आईटेक रिटेल्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं स्पेशल रमजान ऑफर्स, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ लेडीज इंडो वेस्टर्न सूट, कुर्ती, स्टोल, किड्स अपैरल, फैंसी एसेसरीज और भी बहुत कुछ। साथ ही हर परचेज पे पाइए अट्रैक्टिव गिफ्ट। तो इस रमजान एक बार जरूर विजिट कीजिए आईटेक रिटेल्स, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, चाविंद्रा, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। छोटे भाई ने बड़े भाई के घर में की चोरी, हुआ मामला दर्ज। एहतेशाम अहमद व आरोपी एहसान अली दोनों सगे भाई हैं और दोनों गैबी नगर के एक अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे। बड़े भाई एहतेशाम अहमद ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया कि उसके छोटे भाई एहसान ने 5 जनवरी से लेकर 20 मार्च के दरमियान मकान में रखा 1,14,000 कीमत के सोने के आभूषण व नकदी चोरी कर लिया है। शांतिनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर रही है जाँच। भिवंडी बस स्टैंड पर पानी के लिए परेशान यात्री। भिवंडी शहर के एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई पानी की टाँकी सालों से बंद पड़ी है। भीषण गर्मी में जहां हर मिनट में लोगों का गला सूख जाता है और मजबूरन यात्रियों को पानी की बोतल खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है, ऐसे में नागरिकों ने एसटी बस स्टैंड के अधिकारियों और पालिका प्रशासन से पानी की टाँकी शुरू करने की तत्काल मांग की है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अपने आर्थिक फायदे के लिए पानी की टाँकी चालू नहीं की अब तक। बिना अनुमति सोसाइटी में होली मनाने पर हुआ मामला दर्ज। भिवंडी पद्मा नगर परिसर के शिवम दावेली के पास स्थित अरिहंत सोसाइटी में बड़े पैमाने पर होली उत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में तेज आवाज के साथ डीजे की व्यवस्था की गई थी और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा किया गया था। सोसाइटी द्वारा पुलिस विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी, साथ ही पुलिस उपायुक्त विशेष शाखा के आदेश का जमकर उल्लंघन किया गया। पुलिस हवलदार जगदीश की शिकायत पर शहर पुलिस ने अरिहंत सोसाइटी के अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ किया मामला दर्ज। भिवंडी शांतिनगर रोड पर फ्रूट सी गाड़ियों का आतंक। फ्रूट सी गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी कर खाली और भरी जाती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। एक साल से रोड बनने के बाद भी वही हाल है। आज एक फ्रूट सी गाड़ी बोलेरो पिकअप का ड्राइवर बीच सड़क खड़ी करके कहीं चला गया। उसको कॉल करके बुलाया गया और स्थानीयों ने लात घूंसे से स्वागत कर उसको रवाना किया, जिसके बाद भिवंडी आरटीओ ऑफिसर मनीष पाटिल ने पिकअप पर कार्रवाई की। भिवंडी महानगर पालिका के सामने लगे पानी दो के नारे। भिवंडी के कई इलाकों में पानी की समस्या को लेकर कसाईवाड़ा के लोगों ने आज महानगर पालिका का घेराव किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल थी। उन्होंने बड़ी तादाद में मनपा के सामने धरना आंदोलन किया। लोगों का कहना है कि घरों में बहुत दिनों से गटर जैसा गंदा पानी आ रहा है, जिसको पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही लोगों ने मनपा से इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। भिवंडी के समरूप बाग में सड़क पर फैले कचरे से स्थानीय है परेशान। भिवंडी शहर के समरूप बाग कदीम मस्जिद के पास दीवान शाह दरगाह रोड पूरी सड़क पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कचरे की वजह से कीचड़ भी हो गया है, जिस पर चलना बेहाल है। स्थानिकों ने मनपा से कचरे को साफ करने और सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। भिवंडी के BNN कॉलेज में हो रहा है हिंदू मुस्लिम का राजकरण, स्टूडेंट्स ने किया विरोध। भिवंडी के BNN डॉक्टर बाबा साहेब लॉ कॉलेज में सालों से कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिसके चलते कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया और कहा कि जिसको भी ऐसे राजकरण करना है कॉलेज के बाहर जाकर के करे, कॉलेज का नाम ना खराब करे। और इस पर स्टूडेंट्स ने चेयरमैन को पत्र देकर 8 दिन के अंदर कार्रवाई की करी है मांग। मुनव्वर फारूकी हुए गिरफ्तार। बिग बॉस OJT 2 विनर एल्विस यादव के बाद बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी विवादों में आ गए। जानकारी के मुताबिक सोशल सर्विस ब्रांच ने बीती रात मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित सबालन हुक्का पार्लर में रेड के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों में से एक मुनव्वर भी थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पार्लर में तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ निकोटीन का उपयोग हुक्का पार्लर में किया जा रहा है, जिसके चलते मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया और सभी आरोपियों पर कोटपा के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस ने 41A का नोटिस देकर फारूकी को जाने दिया और पुलिस इस मामले में कर रही है जांच। और वहीं इस मामले में अब तक मुनव्वर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। रमजान के महीने के दौरान गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव UNSC में हुआ पास। इसराइल और हमास के बीच वॉर के लगभग 5 महीने से अधिक वक्त बीत जाने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रमजान के महीने में गाजा में तत्काल सीज फायर के प्रस्ताव को पास किया। 15 देशों वाली सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा विशेष प्रस्ताव को अपनाया और 14 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि अमेरिका वोटिंग में शामिल नहीं रहा। आज सेंसेक्स 526 अंकों की बढ़त के साथ 72,996 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 118 अंकों की बढ़त के साथ 22,123 पर हुआ बंद। गोल्ड 66,399 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 74,677 और क्रूड 6,775 पर ट्रेड करते हुए।